हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि ये जो आपने बताया है दालचीनी के बारे में, शरमन के बारे में, वो क्या बोलता है, भूसी की तरह काम करता है। तो इसी के बारे में मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। क्यों? कि मैं प्रॉपर रिप्लाई करना चाहती थी। तो ये वीडियो उनके लिए है, आप सब के लिए है जो जानना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि ये भूसी बन जाता है। तो इसी पे वीडियो बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा पाउडर बना के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने ये फैलाया हुआ है तोड़ ताड़ के। आप मेरे लाइव वीडियो में जाएंगे तो समझ में आएगा कितना मैंने तोड़ा है। कपड़ा ही मत, ये स्लैब मेरा क्लीन है। तो आपने जो देखा होगा कि मैंने लाइव वीडियो जो बनाया था तो उसमें मैंने इसको तोड़ा था, तो वही वाला मैं चार में डाल रही हूँ। ठीक है, मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैंने पाउडर बनाया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरा मिक्सर थोड़ा सा गीला था, इस वजह से ये पाउडर ऐसे बना है। और भी इसको फाइन पाउडर बनाना पड़ेगा। मैं अभी और बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको सावधानियाँ क्या रखनी है पाउडर बनाते समय। मैं ये बता दूँ कि आपका जो जार है वो गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, तब पाउडर बनाएंगे। और जो वो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन बन जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये और भी फाइन हो सकता है, लेकिन ये ऐसे ही रहता है, थोड़ा और फाइन होगा अगर मेरा जार गीला नहीं होता तो ये आप देख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है ये और भी बारीक होगा, इसको हमको छन्नी से छानना पड़ेगा। और ये दूध में भी मिक्स करके आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, दूध, तो ये मैंने दूध दे दिया है। ठीक है, और मैं इसमें, चूँकि ज़्यादा मिला के आपको नहीं पीना है, इतना मिला रही हूँ। और फिर तो ये ऐसे हो जाता है। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था कि मैं जब मिक्स करता हूँ तो ऐसे ये ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सही उन्होंने बोला था। और फिर इसको पीने के बाद मुँह में आता है भूसी की तरह, भूसी तरह थोड़ा ज़्यादा टाइम आता है। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है आपको कि आप जब भी इसका पाउडर बनाएं तो आपका जो मिक्सी जा रहा है वो एकदम ड्राई होना चाहिए। और इसको बारीक करने के लिए आपको 3 नंबर तक चलाना पड़ेगा मिक्सर को, और उसके बाद आप छन्नी से छानेंगे तब जाके आपका थोड़ा अच्छा होगा। नहीं तो फिर आपको ऐसे ही, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे ही आपको छेलना पड़ेगा। ये सब सावधानियाँ हैं, आगे आपकी मर्ज़ी, आप असली खाना चाहते हैं या नकली खाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यही बोलूँगी जो खाइए अच्छा खाइए, अच्छा खाने से ही आदमी हेल्दी रहता है। और हाँ, ये नहीं है कि दालचीनी आप पाउडर यूज़ करो तो भर भर के यूज़ करो, बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ करना तब अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा ही मात्रा में करोगे तो वो, कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे ना तो हार्म ही करेगा, वो फ़ायदा नहीं करेगा। बस ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। और मैं इसको पी लूँ, पी के देखती हूँ, क्योंकि इशारा करके ही देखना पड़े। तो चलिए, ये मुँह में आता है क्योंकि ये घुलता नहीं है। ये अच्छे से जब तक पाउडर नहीं बनाएंगे, इसका एक और तरीका है कि आप सिलबट्टे पे इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा सा, मतलब जैसे एक टुकड़ा ले, बताती हूँ, तो इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा ले और इसको सिलबट्टे पे थोड़ा सा पानी डाल के या दूध डाल के एकदम जो पेस्ट बनता है ना वैसे बना ले, और फिर दूध में मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब ये आराम से घुल जाएगा और आपको पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया कि मैं पूरा डिटेल में ही उनको वीडियो बना के बताऊं, चूँकि लिखना उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको दिखा सकूं कि उनका जो मुझ पर बिलीव करते हैं वो बना रहे हैं। तो इस वजह से, तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, जैसे ये टुकड़ा है ना इतना लेना है आपको, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, और उसका पेस्ट बना लेना है। पानी डाल के बनाइए, दूध डाल के बनाइए, आपकी मर्ज़ी, पेस्ट बना लीजिए, चम्मच में निकाल लीजिए, और उसके बाद आप उसको दूध में मिक्स करिए, या पानी से पीते हैं तो पानी में मिक्स कर लीजिए और पी जाइए। ऐसे करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब
ऐसे भी एक बात बताओ, नेचुरल में जा रहा है ना, तो नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए, सिलबट्टा को ही यूज़ कीजिए, उससे आपको एक आयरन भी मिलता है उसमें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो मिक्सर उक्सर है ना, नए जमाने का है, हम लोग खुद भी नए जमाने के, लेकिन मुझे लगता है ना कि नेचुरल चीज़ से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे, मैंने पूरा आपको डिटेल बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।